आज हम भाजपा सरकार के राज में 9 सालों में हरियाणा क्राइम के अंदर जो एक तरह से नंबर वन प्रदेश बन गया है पूरे देश में, आज हर तरफ क्राइम का हरियाणा में अपराध का बोलबाला है, इस पर आप सबके साथ एक चर्चा करना चाहते हैं। सरकार के आंकड़े दिन ब दिन अखबारों की हेडलाइंस बनाते चले जा रहे हैं। 2009 में एक सरकारी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था सरकार द्वारा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सीसी जिसका नाम था क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, CCTNS, इस जो प्रोजेक्ट ने अभी हाल ही में आंकड़े निकाले जो कि हरियाणा के लिए चौंका देने वाले हैं। जो हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स है, इन्होंने 2023 की अकेले 9 महीने की एक रिपोर्ट अभी सामने करी है, जिसमें इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक हरियाणा के अंदर क्राइम के आंकड़े क्या हैं। इन्होंने कहा कि इस 9 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर 974 तो मर्डर हुए हैं, 1701 केस रेप के हुए हैं, 139 केस गैंग रेप के हुए हैं, 3871 केस किडनैपिंग के हुए हैं, 271 केसेस हमारे यहाँ पे रॉबरी के हुए हैं, और क्राइम एग्रीगेट जो इनका है उस अगेंस्ट विमेन जो है 10,946 केस हुए हैं। अगर हम आपको इसमें एक प्रतिदिन का आंकड़ा बताएं जो कि चौंका देगा, तो हरियाणा में पिछले 9 महीने के अंदर हर रोज़ 5 से 6 रेप हुए हैं, हर रोज़ 11 से 12 किडनैपिंग्स हरियाणा के अंदर हुई हैं, हर रोज़ 3 से 4 मर्डर हरियाणा में हो रहे हैं, और हरियाणा के अंदर आज उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज़्यादा जो है क्राइम रेट है। कल ही खबर आई कि पलवल में किस तरह से गैंगस्टर्स ने खुलेआम एक दुकानदार के दुकान के सामने ओपन में फायरिंग करी और फिरौती मांगी गई। आज हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो जो पैसा अर्जित कर रहा है या उसकी ऊर्जा कर रहा है, आज उद्योगपति प्लान करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ की क्रिमिनल स्थिति को देखते हुए। तो दिन रात जो लूटपाट के केसेस सामने आ रहे हैं, 9 महीनों के ये आंकड़े हैं, 9 साल के तो भाजपा सरकार से मांगे ही क्या। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अभी कहा था कि हरियाणा सरकार आंकड़ों का खेल खेलना बंद करे और आकर जमीन पर लोगों को जवाब दे और काम करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।